आतंकवादियों का गढ़ बनाने का जो प्लानिंग और योजना था पीएफआई का। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा। आज बांका जिला के परिसदन में बिहार सरकार विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में अपराध और भ्रष्टाचार पर पूछे जाने पर सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा, बिहार सरकार के संरक्षण में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया पैसे की खूब उगाही कर रहे हैं। जिस सरकार में सरकार और सत्ता में अपराधी और भ्रष्टाचारियों का जमात बैठती है, उसमें अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि सदन में भी बिहार के मंत्री इसराइल मंसूरी को भी छोड़ना पड़ा। कुर्सी के लिए सदन छोड़कर भाग गए। अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा है। विगत वर्ष बांका के नवटोलिया के मस्जिद में हुए बम विस्फोट पर बोले, हमने इसकी जांच NIA से कराने की बात कही थी। सरकार के लोगों ने इसको खाना पूर्ति करके समाप्त कर दिया। आज बांका के अपराधियों के मन में जो भय था वह समाप्त हो गया है। जिस नीतीश कुमार को भाजपा ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाने का काम किया वह नकली निकला, वह पलटू राम निकला। जिस तरह पूरे बिहार के अंदर हर जिला में हत्या, बलात्कार, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, उसी तरह बांका में भी हमें बौसी में बलात्कार, कटोरिया में हत्या, यह सब सुनने को मिल रहा है। प्रदेश की सरकार इस पर मौन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज को जनता का राज कहते हैं। आतंकवादियों का गढ़ बनाने का जो प्लानिंग और योजना था PFI का, मदरसे के अंदर जो बम विस्फोट हुआ था, NIA से उसकी जांच कराकर और इस तरह के प्रवृत्ति को रोक लगाने का हम लोगों ने मांग भी किया था। उसको खाना पूर्ति कर करके कहीं ना कहीं बात को छुपाने का, भटकाने का खेल खेला गया और उच्च पद पर बैठे लोग इस खेल में सम्मिलित हैं। आज बांका के अंदर अपराधियों के मन के अंदर से भय खत्म हो गया है और इसकी साठगांठ कहीं न कहीं आतंकवाद उग्रवाद के साथ भी जुड़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है और ये सरकार पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया है। और जब जब कोई सरकार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है, जिसके कारण बांका सहित पूरे बिहार के अंदर यही वातावरण बन रहा है। और इससे भटकाने के लिए ये लोग धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद पैदा करने का कई खड़जंत कर रहे हैं। कभी इनके शिक्षा मंत्री के द्वारा उन्माद रामचरितमानस पर, कभी बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा के नाम पर, इस तरह से बिहार के अंदर ये 90 के दशक में ले जाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस जंगल राज से भी लड़ा था, चाणक्य बनकर नीतीश कुमार को चंद्रगुप्त बनाया था, वह नकली निकला। अब बिहार के लोग उनको पलटू राम कहते हैं और वो व्यक्ति उस जंगल राज को जनता राज कहने लगे, लेकिन ये जनता राज नहीं, ये पूरी तरह से गुंडा राज के हवाले कर दिया। कुर्सी के लिए सभी समझौता कर लिए हैं और सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी भी जो बिहार के अंदर जनादेश नहीं प्राप्त कर सका, लोगों के विश्वास नहीं ले सका, अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकी, वो देश की राजनीति कभी नहीं कर सकता है। और ऐसे लोग कभी विश्वसनीय नहीं होते हैं, इन पर किसी को विश्वास नहीं होगा। बांका में जो बम विस्फोट मदरसा में हुआ था, उसकी NIA की जांच की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो कहा भी गया था उसके सुपुर्द करने के लिए, उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई, आज तक सदन के अंदर भी ये मामला उठा था, लेकिन सरकार का कोई रिपोर्ट और जवाब नहीं आया था। सरकार की एक्टिविटी कहीं न कहीं इस तरह के मामले में आज सहरसा के अंदर
जो दंगा हुआ और वहां बम विस्फोट हुआ उसमें लोगों के हाथ तक उड़ गए, कई लोग घायल हुए। और यही मांग हमारे पूर्व विधायक जमाहर प्रसाद कुशवाहा जी कर रहे थे। हम लोगों की बैठक में उनके पदाधिकारी भी बैठे थे, SDO थे, DSP थे, DDC थे, और उस समय उन पर कोई आरोप नहीं लगा। और NIA से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, तो इन्हीं को अज्ञात के 500 से ज्यादा अज्ञात करके दंगा में लिखता है, उसी अज्ञात में इनको भी भेज दिया। ये सरकार की कहीं ना कहीं कायरता झलकती है। जो सत्य बोलता है, सत्य जानने का प्रयास करता है, उसको फंसाने का, धमकाने का, डराने का काम सरकार करती है। ये कहीं ना कहीं जातीय उन्माद पैदा करने का एक मानसिकता है।